गुरुदेव क्या कहते हैं, सोचनीय नहीं कुशल। चक्रवर्ती जी का सोच करने योग्य नहीं है। तीन रोग 14 होने उनका प्रताप प्रभाव प्रकट है। लाला सोचने का काम नहीं। आपके पिता जैसा महाराज भय उन अहिन अब होनिहा, भूप भरत जस पिता विधि हरि हरो सुर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शिव भगवान आपके पिता के जीवन चर्या का नाना विधि गुणगान करते हैं। आपने सुना होगा जिसकी कीर्ति होती है वही जीवित रहता है, कीर्ति यस्य सजीवति। इसलिए हमको आपको सभी को चाहिए कि इस जगत में अपने अपने कीर्ति का वर्धन करें। कब होगा? जब हम कीर्ति के लिए प्रयास करेंगे, हमसे मंगल हो, किसका धर्म संरक्षण हो, जीवन संरक्षित हो, धर्म पथ पालित हो, इससे हमारी कीर्ति दिग्दिगंत में फैलती है। विधि विधा जो भी आप बना ले। गुरु जी कहते हैं, लाला कहिए आपके पिता की प्रशंसा कौन करेगा? राम जी, आप, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जिनके चार ऐसे योग्य पुत्र भय, उस पिता की प्रशंसा कौन करेगा? सब प्रकार आपके पिताजी बड़भागी थे, उनके निमित्त कोई शोक करने जैसा प्रसंग नहीं। और उन धर्मशील पिता श्री दशरथ जी महाराज ने आपकी मां को जो वचन दिया है, उस एक वचन का उसमें पालन राम जी कर गए। अब जो पहला वचन है उसका आप पालन करिए, राज आज्ञा स्वीकार करिए और राज संचालन करके अयोध्या की प्रजा का संरक्षण करिए। गुरु जी ने जब ये बात रखी तो भरत जी का मन बड़ा बेचैन हो गया। भरत जी कुछ बोल नहीं रहे। गुरु जी को लगा कि भरत जी के अनुकूल नहीं। जैसे आप किसी से कोई बात कहें तो उसका चेहरा बोल देता है। कई लोग जो बड़े घाग होते हैं उनका चेहरा कुछ नहीं कहता है। लाला कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कहे रहो, आप समझाए रहो, सावन सावो क्या है, सावन सावा जैसा और भादो कोदो भादो जैसा, एक रूप रहता है। मिटे न मलिन स्वभाव भंगू, एक जैसा रहता है। अब भरत जी के भाव का दर्शन किया गुरुदेव ने, भरत जी को गुरुदेव महाराज के वचन अच्छे नहीं लगे। अब गुरु जी कहते हैं, लाला जिस वचन का पालन करने के लिए राम जी बन चले गए, आपके पिताजी तन त्याग दिए, उस वचन का पालन करना ही आपका कर्तव्य होता है। नृपहि ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, कर होता पितो वचन आप अपने पिताजी द्वारा दिए गए वचन का पालन करिए। राम जी ने देखिए मार्गदर्शन किया है। भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा पालन किया, देखिए उनकी कीर्ति बढ़ी ना। अयाति महाराज को उनके पुत्र पुरु ने अपनी युवावस्था भेंट कर दी, कोई उनकी अपकीर्ति हुई, आज भी उनकी कीर्ति है।
अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु भए ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर। इस दोहे को, दोहा क्रमांक 174 अयोध्या कांड को ठीक से हृदयस्थ करिए। अनुचित उचित का विचार पिता की आज्ञा में नहीं करना चाहिए, गुरुदेव ऐसा कहते हैं। जो इसका पालन करता है वो सर्वकाल तक देव लोक में जाके वास करता है। ते भाजन सुख सुजस के उसको सुख की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। किसको? जे पालहि पितु भए। अवश्य महाराज ने जो वचन दिया है उसका पालन करिए और प्रजा के सुख का हरण करिए। देवलोक में महाराज को प्रदोष मिलेगा, श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी वन में भी संतुष्ट और प्रसन्न होंगे, आपका पुण्य वर्धन होगा। वेद भगवान गवाही करते हैं, साक्षी रहते हैं, पिता जिसको देता है वही राज सत्ता का अधिकारी होता है। भरत जी गुरु जी की सुन लिए, कहते हैं राम जी वन में हैं तब तक राज सिंहासन का संहार आप करेंगे, इसमें आपका हित है, प्रजा का हित है, मेरी बात मानिए और पालन करिए। आपकी माताएं प्रसन्न होगी, प्रजा का सुख वर्धन होगा, आदि 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 कहते समय गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से एक बात निकली, सौंप हो राज राम के सेवा है। ये मंत्र भरत जी को बहुत अच्छा लगा। इसमें केवल एक शब्द का अंतर करना है। देखिए, किसी को कोई व्यवहार सौंपना है तो आएगा तो सौंपेंगे, अच्छी बात नहीं है। गुरु जी ने कहा, क्या कहा व्यास जी? सौंप हो राज राम के आए सेवा करे वो स्नेह सुहाए। गुरु जी कहते हैं राम जी जब 14 वर्ष बाद आए तो उनको राज सौंप दीजिएगा और प्रेम पूर्वक सेवा करिएगा, जो आपका स्वभाव है। हम आपको भारत देश के 3 उदाहरण दे रहे हैं, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली। दिल्ली में तो दोनों लोग नहीं हैं, मध्य प्रदेश में हैं। बहुत कथा में हम अंदर नहीं जाते क्योंकि राजनीति हमारा विषय नहीं, हमारा विषय अध्यात्म है और कथा है। और बहुत पहले कोई नेता अभी वो मेरे राम जी के बारे में अनेक प्रकार की टिप्पणी किया था, कौनो किया था ना, उसको भी मुख्यमंत्री महोदय ने राज सौंप दिया था। फिर आने के बाद कितना नाटक हुआ। ले लेना सरल है, छोड़ना सरल नहीं। डॉक्टर राममोहन सिंह सुदुती के चेयरमैन ने हमको सौंप के देखे, हम हटते हैं तो एक बार कुर्सी पर जो बैठ जाएगा कदाचित नहीं। ये गलती जीवन में कभी ना करें, कभी सौंपना ही नहीं चाहिए। और यदि सौंपना है तो आए की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। भरत जी ने निकाल लिया, सौंपे हो राज
राम के जाय सेवा करे हो सने केवल ऊपर की हर्फ है वो हटा दिए आए नहीं जाए बस गुरु मंत्र मिला। देखिए साधु हो राजा हो प्रजा हो कई लोग अनेक बात रखते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए जैसा हुआ है वैसा ही होना चाहिए। माननीय नेताजी के कल प्रार्थना जब हम लोगों ने किया था तो माननीय अखिलेश जी का फोन आया, महाराज श्री बहुत बहुत धन्यवाद पापा के लिए आपने प्रार्थना किया। ये हम साधु हैं, हम तो जो भी भगवान मंगल किसी का करे उसके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, और क्या करें, बहुत प्रार्थना, सबका मंगल करे, सर्व मंगल मांगल्य सवे सर्वात्, अरे विश्व सबका कल्याण हो। साधु का काम क्या, सबका मंगल हो। मंगल भवन अमंगल द्रवऊ सुदशरथ अजीत बिहारी। मुझे वो प्रसंग स्मरण है जब सत्ता में आए थे माननीय अखिलेश जी, तो किसी ने पूछा नेताजी से कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बोले अखिलेश याद है ना, ये इनकी पार्टी तो अदल बदल करती रहती है। ये विवेक है कि जो अपना है उसको ही सौंपना, इधर उधर नहीं जाना है। बैठने के बाद कोई सौंपता है क्या, अरे राम रे राम, भगवान बचावे, राम मिलाए जोड़ी। कभी नहीं सत्ता किसी को, अरे घर की चाबी किसी को दे दीजिए, मांगने लगी है आदमी देता नहीं है, ये लो छाती में बांधो। कितने प्रेम से दिए थे लेकिन साहब क्या बताए, वापसी सरल नहीं है साहब, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिनाई है।